दोस्तों आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपके पास भी अगर कोई डिशवॉशर है, मेरे पास IFBE कंपनी का जो नेपट्यून VX2 प्लस मॉडल वाला डिशवॉशर है, आपके पास अगर बॉश का डिशवॉशर है तो उसमें आपको डिशवॉशर की जो क्लीनिंग है वो आपको किस प्रकार से करनी, ताकि डिशवॉशर की जो बर्तन धोने की एफिशिएंसी वो आपकी बनी रहे। तो इस वीडियो में हम जो उसका क्लीनिंग प्रोसीजर उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए डिशवॉशर मतलब सबसे पहला तो प्रोसीजर्स में ये रहेगा कि जो भी आपके बर्तन हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे यहाँ पे चाय के बर्तन पड़े हुए हैं, अगर आप इसको डिशवॉशर में धोने में डालेंगे तो आपको ना डिशवॉश मतलब बर्तन जो भी गंदगी है ना, इससे चाय की पत्ती हो गई या आपको कोई सब्जी रह गई, रोटी का टुकड़ा रह गया, तो उसको आपको निकाल के ही पहली बार डिशवॉशर में अपने फिट करना है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप बर्तन में जो भी गंद जमा हुआ है, लाइक आपकी सब्जी रह गई, रोटी रह गई या कुछ भी इसमें पत्तियां रह गई, कुछ रह गई, डायरेक्टली डालेंगे तो फिल्टर के इसमें क्लॉग होने के चांसेस ज़्यादा, जिस वजह से मशीन की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको डिशवॉशर को प्रॉपरली यूज़ करने में यही है कि सभी प्रकार की जो गंदगी है वो निकाल के आपको डिशवॉशर में डालनी है। दूसरा, डिशवॉशर में देखो आपको ना फिल्टर दे रखे हैं इसके अंदर, मैं एक मिनट ये रैक को रिमूव कर देता हूँ। डिशवॉशर में देखो आपको यहाँ पे ना इसका फिल्टर दे रखा है डिशवॉशर का एक, तो आपको ना इस फिल्टर को जब भी आप एक बार के बर्तन धो लें, आपको फिल्टर को ना क्लीन करना जरूरी है। जैसे एक तो उसमें आपको मेश वाला फिल्टर मिल जाएगा, आप देखिए जो भी खाने की जो उसमें गंदगी वगैरह होती है, पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें ना ट्रैप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखिए ये सबको उसमें ट्रैप कर लेता है, इसमें जाली लगी हुई है ऐसी, ये सारी गंदगी कर लेता है, इसमें सोख लेता है। तो आपको डिशवॉशर का ये फिल्टर क्लीन करना जरूरी है। फिर ऊपर इसके ना एक और ऐसी ट्रे है, एक और आपके जाली सी, ये भी आपको साथ में क्लियर करनी जरूरी है। आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े इसमें मतलब खाने के पार्टिकल्स आ रखे हैं, जो थोड़े इसने ट्रैप कर लिए अपने अंदर, ठीक है। तो आपको तो ये चीज साफ करनी जरूरी है। और फिर आप देखेंगे कि जो इसका यहाँ पे ड्रेनेज वाला टब है उसमें कोई गंदगी रुक तो नहीं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे रुक रही है, तो आपको यहाँ पे भी इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। फिल्टर को आप क्लीन कीजिए रेगुलरली, एक या दो वॉश के बाद हमेशा, ताकि बर्तन आके प्रॉपरली साफ होते रहे, पानी मशीन से ड्रेन होता रहे। दूसरा, अब जो उसका लोअर वाला जो स्प्रे आर्म है जिसमें से पानी आता है और डिशवॉशर बर्तन साफ होते हैं, तो आपको ना ये वाला इसको भी साफ करना होता है। मतलब आप इसको चाहे 2-3 हफ्ते में, महीने भर में साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने का क्या तरीका रहेगा, आपको इस आर्म को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आप इसको ना ऐसे खींच के डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। अभी देखिए ये रिमूव हो चुका है आपका आर्म, अभी जो भी इसमें गंदगी वगैरह होगी, जो उसका यहाँ पे होल दे रखे हैं ऊपर, इसको आप इसको क्लीन करें एंड जहाँ पे फिट होता है इसको भी आप चेक कर ले, उसमें गंदगी तो नहीं है। फिर इसको आप वापसी ऐसे प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। एक सेकंड, ये देखिए ये क्लिक की नॉइज आएगी एंड ये आपका स्प्रे आर्म लग जाएगा ये वाला, ठीक है गाइस। तो मैंने नीचे वाला जो स्प्रे आर्म था उसको साफ कर लिया है, अब बारी आती है हमारी ऊपर वाला स्प्रे आर्म को साफ करने की। आप देखेंगे इसको भी आपको साफ करना बहुत जरूरी है। इसको खोलने का वो क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे यहाँ पे ना चूड़ी दे रखी है इसकी, जैसे कि वाला लॉक दे रखा है। इस लॉक को अगर आप ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ना, इसे पीछे करके, तो आप देखेंगे ये लॉक के समेत ये नीचे आ जाएगा आपका जो अपर वाला स्प्रे आर्म है। तो इसमें देखिए कितने सारे इसमें होल्स दे रखे हैं एंड जो इसका फिटिंग वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई गंदगी है या नहीं है, इसको आपको साफ करना है। अगर ये इसके छेद ब्लॉक हो रहे हैं तो आपको सेफ्टी पिन कुछ डाल के इसमें अच्छे धो के इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अगर वापसी इसको फिट करना है तो आप इसको ऐसे जो इसका पार्ट बना हुआ है उसमें आप लेके जाइए, इसको थोड़ा कि ऊपर की तरफ इसको प्रेस कीजिए लॉक को दोबारा पीछे घुमा के, अभी पूरा ऊपर आ गए, फिर लॉक को इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो क्लिक की नॉइज आएगी। ये देखिए ऐसे तो अनलॉक हो गया, ऐसे ये फिर ही अपनी जगह फिट हो गया एंड वापसी ये स्प्रे आर्म जो है घूमना चालू हो गया। तो गाइज यही था इस वीडियो में कि आपको अपने डिशवॉशर की जो क्लीनिंग है वो कैसे करनी है। नीचे के फिल्टर साफ करने हैं आपको, नीचे वाला जो स्प्रे आर्म है वो साफ करना है, ऊपर वाला स्प्रे आर्म वो साफ करना है, ताकि बर्तन जब साफ होंगे डिशवॉशर में तो उसकी एफिशिएंसी बनी रहे एंड प्रॉपरली आपके बर्तन जो है साफ हो पाए। एक और चीज इसमें आती है कि जैसे अगर डिशवॉशर में कुछ ज्यादा गंदगी जम रही है तो उसमें जो इसके एक्सटर्नल क्लीनर्स होते हैं ना, लाइक डी ग्रीजिंग पाउडर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ पाउडर कैसे होता है जरा वो एक। तो गाइज ये ना एक जैसे मेरे पास जो है फॉर्चून ब्रांड का ना डी ग्रीजर पाउडर पड़ा हुआ है, जिससे आप जो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है या जो आपके डिशवॉशर होता है उसको ना आप जैसे जो भी इसमें अगर लाइम स्केल होता है, जैसे खारे पानी की जो छींटे वगैरह होती है ना,
या बहुत टाइम यूज करने वाला मशीन में दाग धब्बे जमते रहते हैं मशीन की बॉडी के अंदर, उसको आप रिमूव कर सकते हैं डी स्केलर की मदद से। डी स्केलर को कैसे यूज करना है आपको, या डी स्केलर इसमें टोटल मेरे है ना आई थिंक 100 ग्राम की पैकिंग है इसकी डी स्केलर की वाली, हाँ नेट वेट 100 ग्राम लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा जो आपकी ये 25 ग्राम वाली बास्केट है ना इसमें डब्बा देखकर पूरा भर लेना है, और डिश वॉशर में इसके नीचे वाले पोर्शन पे आप ये थोड़ा बिखेर दीजिए, ऊपर वाले रैक में बिखेर दो, नीचे वाले रैक में बिखेर दो, और जगह जगह पर डिश वॉशर में आप ये जो उसका डी स्केलर पाउडर है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपके डिश वॉशर का जो हाइएस्ट इसमें वॉशिंग वाला मोड होता है ना, जैसे मेरे वाले डिश वॉशर में जो उसका हाइएस्ट मोड है वॉशिंग का, वो उसमें ऑटो 60-70 डिग्री का है, जो आपका जैसे भी तो चलो उसमें इको वॉश दिखा रहा है 3 hours 42 मिनट्स का, बट इसमें हाइएस्ट मोड वो है ऑटो 60-70 का है, या किसी और मशीन में जो भी है उसको आप चला दीजिए विदाउट लोडिंग एनी यूटेंसिल। आपको डिश वॉशर पूरा खाली चलाना सिर्फ और सिर्फ पाउडर के साथ, कोई बर्तन लोड नहीं करने अगर आप इस डी स्केलर पाउडर को मशीन में यूज करने वाले हैं तो। उसके बाद देखेंगे मशीन में जो जो भी लाइम स्केल बिल्डअप है, डिपॉजिट्स हैं, कहीं पे कोई दाग धब्बे जमे रह गए, मशीन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, वो सब इसके थ्रू क्लीन हो जाएंगे। तो आपको इस पाउडर को हर 3-4 महीने बाद अपने डिश वॉशर में या वॉशिंग मशीन में यूज करना है, ताकि उसकी जो लाइफ है चीज की बनी रहे, एंड चाहे कपड़े धो रहे हैं अपनी वॉशिंग मशीन में, चाहे बर्तन धो रहे हैं डिश वॉशर में, तो उसकी जो धोने की क्षमता है एफिशिएंसी वो भी उसकी बनी रहे, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में कि आप डिश वॉशर में किस तरह एफिशिएंटली मशीन का अपनी ध्यान रख सकते हैं, और जो इसमें रेगुलर क्लीनिंग प्रोसीजर है उसमें आपको क्या कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल तुशीर जैन के साथ। जय जितेंद्र।